लाखन दरबार में बहुत गजब हो गया। क्या गजब हो गया? दरबार में पिताजी का खून हो गया। तब तो बड़ा गजब हो गया। अब इस चोरकट को देखो, पिता मेरा मरा, हमें कोई तकलीफ नहीं, तो तुम जैसे चोरकट को कैसी तकलीफ? अगर तुम्हें तकलीफ मिल सकती है, अगर तुम्हें तकलीफ मिल सकती है, पहलती तो थमके बोला करो, समझे? अगर तुम्हें तकलीफ नहीं, मुझे तकलीफ नहीं। हाँ, समझ गए, आपकी बात समझ गए। हेलो हेलो, ये घर मालिक की तरफ से, घर मालिक की तरफ से इसी सीट पर खुश होकर नैना के लिए 100 रुपए आ रहा है। शुक्रिया, धन्यवाद। लखन, मैं तुम्हें इस कैश से अदा करती हूँ और आज के बाद तुम्हें अपने दरबार का सेनापति बनाती हूँ। मेरा पद तैयार है। यारो, और किया था जो वादा मुझसे निभाया। हमें जीवन में धोखा नहीं देना, ठीक है? चलो, इस वक्त मैं तुम्हें सेनापति की वर्दी देती हूँ और आज से अपने ड्यूटी पर लग जाओ। चले, और आई सुहागर जहिया, अरे चर चर बोली चर पहिया, ते बाबू चिताई करी है या है बंगलिया से सवैया भाई। ननको मिस्त्री, ये चिलबिली के हैं, 101 रुपए का व्यवहार एक घर मालिक के लिए। ये मैं क्या देखा, ये साला चोरकट बार बार चुम्मा लेता है, ये साला समझता है कि राजकुमारी नैना इससे सच में मोहब्बत की है। तेरी गलत फहमी हुई है चोरकट, कि राजकुमारी नैना तुझसे सच में मोहब्बत की है। जो लड़की अपने दरबारी की नहीं हुई, जो लड़की अपने पिताजी की नहीं हुई, वो तेरी क्या हो सकती है? चुम्मा तक तो बात ठीक है, भगवान कसम भगवान झूठ ना बुलावे। अगर कहीं चुम्मा के आगे बात बढ़ाया तो भगवान कसम मैं तुझे भी ठोक दूंगी। इस रियासत की कोई मलका कहलाएगी वो होगी राजकुमारी नैना। कहते हैं मौका दिया तो प्यार दूंगी, वरना तुझे ऊपर उठा दूंगी। मौका दिया तो प्यार दूंगी, मौका दिया तो प्यार दूंगी, मौका दिया तो प्यारी दूंगी, मौका दिया
एक राम दादा राम रूरू खास ये 20 रुपए इनाम शिशिन पे भेजे हैं, मैं उनकी फरमाइश आ गई है गाना सुनने के लिए। भैया गाना वाना तो ये फरमाइश करता हम जानता हैं, लेकिन 6 बजने वाला है, हमारा तमाशा भी कम से कम पौना घंटा का है, तो इसलिए गाना कोई नहीं होगा। तमाशा बंद होने पर जो चाहो वो तो गाना हम सुना देंगे। किसी ने महाराज का खून कर दिया और झूठे इल्जाम में राजकुमारी नैना ने मुझे जेल में बंद करवा दिया। सामने से मैना आई मैना जो कुछ तुमसे मैं पूछूं सच सच मुझे बताना, तुम्हें मेरी कसम है बादल। मैना आपने अपनी कसम देकर मुझे मजबूर कर दिया, बोलो क्या पूछना चाहती हो? बादल किया है खून का बादल बताओ आप करो खन के जरिए कमीनी तुझे कल सुबह तेरी फांसी वो करवा। मुझको मरने की परवाह हमारा नहीं, सिर्फ एक मुझको अफसोस है मेरे माताओं और नहीं मिलते बस इसी बात छोड़ देती तू बादल चले जाइए प्यारी करती हूँ तुझसे और तिलो जान से आपके बगैर में जीना चाहिए।
तेरे बादल। मैं तुमको रिया करती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ वरना आप मेरी बहन को नहीं जानते, वो बहुत जिद्दी है। चाकू ला करके जरिए बिल कर वो तुम्हारी फांसी करा देगी बादल। मैना इसलिए ये तू क्या कह रही है, मैं हट के चला जाऊं? अरे हम लोग जीने मरने का वादा किया है, कहते चला जाऊं तुम्हारे बगैर भी चिंता नहीं रहूंगी बादल, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। हरि करम अपना करेंगे आए सनम तेरे लिए, दिल दिया है सांप दे आए सनम तेरे। लेकिन बन भलिया बड़ा दुश्मन है, वो मेरे हाथ से जिंदा नहीं बचेगा। नहीं तुम कुछ नहीं कहोगे बादल को, मेरे हाथ से मारा नहीं। भैया देखिए मैं बादल से बहुत प्यार करती हूँ, ये कमीना अभी बादल को मारगा। भैया आपके हाथ जोड़ती हूँ। मैना जी तुम निकला बादल से प्यार करती हो? बहुत प्यार करती हूँ। हम तुमसे कई गुना उससे प्यार करता हूँ। अच्छा, क्योंकि मेरे बुआ का लड़का है वो, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। अच्छा, आज तो हमें छू ली हूँ, आज की बार नहीं छूना क्योंकि मैं तुम्हें बड़काऊ लगता हूँ। लेकिन मेरे बादल को बचा लेना। बादल तो बचेगा, जरूर बचेगा, क्योंकि बादल मेरा भाई है। ये चरकर साला सेनापति क्या करेगा? अब जात हम जैसे बादल के इनके मुठभेड़ हुए तैसे हम वही सेनापति सारे से लड़ाई लगा और बादल का मौका दिया। जल्दी जाओ भगवान मेरे बादल को बचा करना। सामने सिपाही लोग आ रहे, मैं यहाँ निकल जाऊंगा। हाँ सारे आंधर बादल भली आगे जा रहा है। अरे तो सारे तो हमसे कहे लड़ जाएगी, तो बीच में क्यों आ गया? हम सोचा लाओ आगे से तेरे को पकड़ी और तू सारे हम हैते भेड़ गए। चल चल भाग जा, चल चल चल।
वाले बिजू क्या है? क्या तो कहो आलू चार के बिनते हो? सुन सुन गाज तुम्हारी वजह से गया हूँ। मेरी वजह से नहीं गया, वो गया तो तुम्हारी वजह से गया है, गलती तुम्हारी है। तो हमसे लड़ाई लागी, मौका पाई भाग गया, जा दियो। खैर कोई बात नहीं है, सुनो चोरा को झूठ बोलते झूठ। हाँ सही है कि बाबा बहलिया।